नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज पर और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। आई नजर डालते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी के मानस भवन में कांग्रेस विधायकों और उनके प्रत्याशियों व इलेक्शन एजेंटों की बैठक संपन्न हुई। इसमें प्रदेश भर से आई कांग्रेस प्रत्याशियों के इलेक्शन एजेंटों और मतगणना में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों को कई टिप्स दिए गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित अनेक नेताओं ने बताया कि मतगणना के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। नेताओं ने यह भी ताकीद किया कि मतगणना अभिकर्ता प्रत्येक चक्र के बाद प्रमाण पत्र लेना ना भूले। इस बैठक में अंदर चल रहे क्रियाकलापों को लेकर काफी गोपनीयता बढ़ती गई, यहां तक कि मीडिया से भी परहेज किया गया। बता दें कि बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गाकर हुई। सरकार बनने जा रही है, मंत्री भी जीतने वाले हैं, मध्यप्रदेश भी जीतने वाले हैं। अगला सवाल आपका मैं जानता हूँ, क्या करने वाले हैं। विधानसभा सचिवालय भी नए विधायकों के लिए तैयारियों में जुट गया है। टिकट काटने से दुखी सिटिंग विधायकों के लिए अब एक मुश्किल खड़ी हो गई है। आवास की कमी के चलते विधानसभा चुनाव न लड़ने वाले विधायकों को विधानसभा सचिवालय ने आवास खाली करने के नोटिस जारी किए हैं। प्रदेश में सरकार आवास को टोटा है, जिसके चलते आए दिन चर्चा गरमाई हुई है। 11 दिसंबर को मतगणना के बाद नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विधानसभा का पहला सत्र भी इसी माह में होगा। इस प्रथम सत्र में विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, जिसके चलते विधायक सचिवालय नए विधायकों के आवास के इंतजाम में जुट गया है और पुरानों को आवास खाली करने के लिए कहा है। इसके अलावा नतीजों के बाद जो चुनाव में हार जाएंगे उन्हें भी अपना आवास खाली करना होगा। वही विधानसभा के प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि नवागत विधायकों को ठहराने के लिए रेस्ट हाउस सही तो होटलों में भी कमरे बुक कराए जाएं। दमोह के जिला अस्पताल में लाए गए युवक ने अपने ही गांव के 3 लोगों पर केरोसिन डालकर जलाने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक का कहना है कि उनका विवाद इन 3 लोगों से था। इसी वजह से देर रात जब वह घर से बाहर था, उसी दौरान उन 3 ने उस पर केरोसिन डालकर जला दिया। जिले के पथरिया थाना अंतर्गत बिलानी गाँव में रहने वाले युवक